गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वीडियो लेक्चर ऑफ पेपर 2 एंड यूनिट 4 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू डायफ्रेक्शन एंड द नेम ऑफ द आर्टिकल इज फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन एट कैपिटल एंड स्लिट्स एंड थ्योरी ऑफ प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग आपको पहले ही बता दिया गया है कि ग्रेटिंग जो है उसमें आपके पास एक प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया जाता है, ठीक है। प्लेन ग्लास की शीट लेकर उसके ऊपर आपके पास फाइन डायमंड के साथ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं डायमंड के साथ। तो डायमंड जहां लाइन उस प्लेन ग्लास के ऊपर ड्रॉ कर देता है वहां से बन जाती है विड्थ ऑफ ओपेसिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब वहां से लाइट पास नहीं कर पाती। और जहां से आपके पास इक्वल स्पेसिंग पे लाइन ड्रॉ की जाती है, जहां से लाइन ड्रॉ नहीं होती डायमंड के साथ, वहां से बन जाती है ट्रांसपेरेंसी की विड्थ, मतलब वहां से लाइट जो है वो पास कर जाएगी। और फिर ए जो है विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बी है विड्थ ऑफ ओपेसिटी। इन दोनों को जब हम प्लस करके एक फैक्टर जो हमारे पास आएगा उसे क्या बोला जाएगा, ए प्लस बी को बोला जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट। तो वो कह रहा है कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एन स्लिट्स एंड कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स जो ड्रॉ करी जाती हैं, ठीक है, ईच ऑफ विड्थ ए एंड सेपरेटेड बाय एन ओपेक स्पेस विड्थ बी एंड द डिस्टेंस ए प्लस बी इज कॉल्ड एज ग्रेटिंग एलिमेंट और ग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसी तरह से आपके पास सेम इसमें बस जो है डायग्राम होगा यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास टू स्लिट्स थी उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, कैपिटल एन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपके पास अब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है सेम वैसे डिस्कस करेंगे, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आएगी मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसमें जो है ग्रेटिंग का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपके पास एन नंबर ऑफ लाइन जो है ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, उसी तरह से बनेगा आपके पास जहाँ से लाइट पास कर रही है विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ से लाइट रुक रही है वो विड्थ ऑफ ओपेसिटी है, ठीक है। जब दो के कारण आएगा तो आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, जब सिंगल स्लिट के कारण पड़ोगे तो आपके पास डायफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा। सेम उसी तरह से आर्टिकल जो है, इसलिए आपको बोला था स्टूडेंट्स फर्स्ट टू आर्टिकल अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बाकी आर्टिकल सेम एज इट इज़ वैसे ही आर्टिकल्स हैं आपके पास। तो अब हम ये आर्टिकल जो है वो पहले डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए वो दोबारा से वही थ्योरी लिखेंगे इसमें कि एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इंसिडेंट करा रहे हैं ग्रेटिंग के ऊपर। हाइगंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जब वेव फ्रंट प्लेन स्लिट के ऊपर पहुंचेगा तो हर एक पॉइंट जो है इसके ऊपर सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेगा इन ऑल द डायरेक्शंस। वो कह रहे हैं ऑल द रे स्टार्टिंग फ्रॉम एजी एंड गोइंग स्ट्रेट रीच ओ इन फेस विद वन अनदर एंड सो रेनफोर्स ईच अदर प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट इमेज स्लिट एज सेंट्रल मैक्सिमा। तो कह रहे हैं सेंटर के ऊपर तो आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा इसमें। वो कह रहे हैं कि अगर आपने टू फाइंड द फेस डिफरेंस निकालना है तो वही चीज करेंगे, कॉमन एक पाथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे के लिए सिंगल स्लिट के कारण निकालेंगे तो डायफ्रेक्शन आएगा, वो ए साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और आपने डायफ्रेक्शन के लिए एंगल कितना ले लेना है, 2α 2π बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसके, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली द पाथ डिफरेंस सी के बिटवीन द रेज डायफ्रेक्टेड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स विल बी, इसी तरह से दो स्लिट्स के कारण जो आपके पास आ रहा है वो सी के हो जाएगा, उसके लिए कितना आ जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए सिंगल स्लिट के कारण छोटे वाला ट्राइंगल लो के यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये छोटा ट्रायंगल हो गए सिंगल स्लिट के कारण, वहाँ पर ड्यू टू ए आएगा। और जब ए सी के राइट एंगल ट्रायंगल लोगे तो बड़े वाला ट्रायंगल लोगे, उसमें सी के निकाल लोगे तो उसमें ए प्लस बी आ जाएगा। ए आपके पास विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, बी आपके पास विड्थ ऑफ ओपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, अब जैसे हमने ट्वाइस ऑफ अल्फा एंगल लिया था किसके लिए, डायफ्रेक्शन के लिए, इंटरफेरेंस के लिए एंगल आप लोगे ट्वाइस ओ बीटा 2π बाय लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। वो कह रहा है कि अगर वाई वन वाई टू वाई एन पी द डिस्प्लेसमेंट्स है पी ड्यू टू द ऑल द रेज डायफ्रेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड एन स्लिट्स, अब इसमें एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कराया गया है,
तो उन सबके कारण y1 के कारण आ जाएगा a sin omega 2, y2 के कारण आ जाएगा a sin omega t plus twice of beta, इसी तरह से up to so on, nth के लिए कितना आ जाएगा y of nth is equals to a sin omega t plus n minus 1 into twice of beta. This is equation number 5. Where a is equals to a naught sin alpha by alpha, it is the resultant amplitude due to the waves diffracted along the theta. The resultant displacement y due to all the rays from all the slits diffracted in angle theta is given by. देखो अब जो सारे के सारे रेज जो डायफ्रेक्ट हो रही हैं वो कितनी मिलेंगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू सो ऑन y ऑफ n. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y आ जाएगा कैपिटल A साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा अप टू सो ऑन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा. तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी साइन की, जब आप एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे तो. और हमें पता है जैसे पिछले वाला आर्टिकल प्रोसीड किया था, जो साइन के पास साथ एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको एम्पलीट्यूड माना जाता है, तो उसको कैपिटल आर के इक्वल ले लेंगे, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिखी जाएंगी. तो आर आपका किसके इक्वल हो गया, आर हमने माना है ए साइन एन बीटा बाय साइन बीटा को, ठीक है, इज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू द वेव्स डायफ्रेक्टेड अलोंग थीटा और बीटा, ठीक है. तो ये आपके पास जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया. नेक्स्ट इसमें इंटेंसिटी निकालनी है एट हमें पी के ऊपर. तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड की होती है, तो स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड कर दीजिए जाएगा यहाँ पर. आई किसके इक्वल आ जाएगा, अब ए की जगह क्या पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा, ए स्केयर है ना, तो इसका स्केयर हो जाएगा ए नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय अल्फा स्केयर साइन स्केयर एन बीटा बाय साइन स्केयर बीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. वो कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है ना वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है ड्यू टू सिंगल स्लट क्योंकि अल्फा एंगल है, बीटा हमने लिया था ड्यू टू इंटरफेरेंस के कारण, ये दे रही है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न और ड्यू टू द कैपिटल एन स्लिट्स. तो बच्चों को यही समझ नहीं आता अल्फा एंगल जो है वो आप ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो किसके लिए है, डायफ्रेक्शन के लिए. जो बीटा एंगल पूरा का पूरा ये है, ये किस कारण इंटेंसिटी आ रही है, ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न. तो हमारे पास अब जेड आप मान लोगे यहाँ से किसको, साइंस के एन बीटा बाय साइंस के बीटा. टू ऑब्टेन द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी जेड बाई डी बीटा इक्वल्स टू जीरो रख देंगे. अब डी जेड बाई डी बीटा निकाल लेंगे आप, पता है यू बाई वी फॉर्मूला आप लग जाएगा, ठीक है, यू बाई वी फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पर, यू का स्केयर यू एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी माइनस वी एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा, आइदर दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो और दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो. तो वो कह रहे हैं डी जेड बाई डी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकालने के लिए आपको डी जेड बाई डी बीटा को इक्वल्स टू जीरो रखना पड़ेगा. तो यहाँ तो ये जीरो होगा या फिर ये वाली टर्म जीरो होगी. इसी को अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे. देखिए वही ये कह रहा है यहाँ पर, तो पूरी की पूरी टर्म इक्वल्स टू जीरो रखी, यहाँ तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी या फिर सेकेंड वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. वो कह रहे हैं वी फर्स्ट कंसिडर साइन एन बीटा बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू जीरो. दिस टर्म गिव्स आइदर मैक्सिमा भी दे सकता है. मैक्सिमा कब देगा, अगर आपके पास साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो. और मिनिमा कब देगा, मिनिमा का मतलब पूरी टर्म की वैल्यू ही जीरो कब मिलेगी, जब ऊपर वाला न्यूमिरेटर ही क्या हो जाएगा जीरो. तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, अगर प्रिंसिपल मैक्सिमा चाहिए तो साइन बीटा जीरो करेंगे. बीटा की वैल्यू अगर साइन बीटा जीरो होता है तो बीटा हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई. सेम पिछले वाले आर्टिकल की तरह रिपीट होगा ये आर्टिकल. साइन एन बीटा विल बी इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, अगर आप ऊपर वाले टर्म जीरो लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी जीरो बाय जीरो के, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. टू फाइंड द इट्स वैल्यू एल हॉस्पिटल रूल उसी में लगता है जिसमें आपके पास जीरो बाय जीरो की फॉर्म बनती है. तो आपने यहाँ पर साइन ऑफ एन बीटा बाय साइन बीटा निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, इसकी जब वैल्यू करेंगे तो एंगल बाहर आ जाएगा एन, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एन. तो इसका मतलब आर इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा इनटू अगले वाले फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही थी एन, यहाँ पुट हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है. तो वो कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ सच मैक्सिमा, अब मैक्सिमा के लिए निकाल रहे हैं ना, विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड आर का स्केयर, तो इधर एन का स्केयर, ठीक है. सो दैट इंटेंसिटी आर प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर एंड इज मैक्सिमम. दीज मैक्सिमा आर वेरी इंटेंस एंड आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल मैक्सिमा. ये मैक्सिमा बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं और इनको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा. अब इस प्रिंसिपल मैक्सिमा की उसी तरह से पोजिशन निकाल लेंगे. पोजिशन निकालने के लिए
आपको बीटा एंगल किसके को रखना पड़ेगा, प्लस माइनस एन पाई, बीटा आप निकाल लेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज द ग्रेटिंग्स लॉ, ए प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ग्रेटिंग लॉ फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। इस लॉ के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, तो ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल जो है वो ग्रेटिंग लॉ के ऊपर ही आते हैं, ग्रेटिंग लॉ ही यूज होता है। आपको पता है ए ट्रांसपेरेंसी, बी ओपेसिटी, कंबाइंड ग्रेटिंग एलिमेंट, थीटा आपको दिया होगा, एन किसके लिए निकालना है आपने, नहीं दिया हो तो एन जनरल वन पुट करेंगे, वेवलेंथ भी आपको कुछ ना कुछ निकालने के लिए बोला जाएगा इसमें। तो कह रहे हैं कि एट पॉइंट एन की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो जो थीटा नॉट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आप सेंटर पोजिशन पर जा रहे हो, सेंटर पर तो हमेशा ही आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर अगर मैक्सिमा निकालना है तो एल को आप क्या पुट कराएंगे, वन, साइन थीटा वन आ जाएगा, प्लस माइनस वन पुट कराएंगे, लैम्डा बाई प्लस माइनस वन, लैम्डा बाई ए प्लस बी, पुट एन इज इक्वल टू टू, साइन थीटा टू इज इक्वल प्लस माइनस टू, लैम्डा बाई ए प्लस बी। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा एट पी टू एंड पी टू डैश ऑन आइदर साइड ऑफ ओ। वो कह रहे हैं ये सेंटर है ओ पॉइंट, सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे दोनों तरफ आपको सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। सेंटर में तो मैक्सिमा मिलना ही मिलना है, उसके बाद जो सेकेंड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। और ये तो होगी मैक्सिमा की सारी बात, उसकी पोजिशंस भी निकाल ली, कंडीशंस भी निकाल ली। अब बात करेंगे मिनिमा की, फॉर मिनिमा न्यूमिरेटर आपका किसके इक्वल होगा, जीरो के, न्यूमिरेटर को जीरो के इक्वल रखा। अब एन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस एन पाई नहीं लोगे, नहीं तो वो पहले वाली कंडीशन के साथ कंफ्यूज कर देगा आपको। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एम पाई, दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पर इंटीजर ले लेंगे, तो यहाँ पर एन बीटा इज इक्वल टू एम इंटू पाई, यहाँ पर एन इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी साइन थीटा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, यहाँ से वैल्यू निकाल दी जाएगी ए प्लस बी साइन थीटा एम की। अब इसी तरह से आप सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल लेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा वाली कंडीशन का ही सेकेंड वाला पार्ट इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। वो कह रहे हैं रूट्स अदर देन बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई गिव्स राइज टू द सेकेंडरी मैक्सिमा मच लेस देन द प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमा जो सेकेंडरी मैक्सिमा की वैल्यू मिलेगी वो प्रिंसिपल मैक्सिमा से तो बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अगर निकालनी है, टू फाइंड द इंटेंसिटी वी कैलकुलेट द फ्रैक्शन साइंस के एन बीटा बाय साइंस के बीटा सब्जेक्ट टू कंडीशन दिस, कॉस ऑफ एन बीटा की वैल्यू आ गई कॉस बीटा बाय एन। मुझे पता है कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, ये आ गया बेस, ये आ गया आपके पास हाइपोटन्यूज, बेस कितना लगा दो, एंगल इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन हाइपोटन्यूज एंड बेस। अब आपके पास ये आपके पास साइन कोसाइन, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो इसमें आप जब पुट करेंगे इसको तो आपके पास क्या वैल्यू, यहाँ से तो इसकी वैल्यू आएगी ना, तो जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करा देंगे, साइन ऑफ एन बीटा चाहिए आपके पास, तो कॉस ऑफ एन बीटा तो आया आपके पास बेस आ गया कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। यहाँ से आपके पास एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, तो बेस आ गया आपके पास ये। अब आपके पास इसी तरह से क्या निकालना है आपने, ये आपके पास कॉट थीटा है, दिस इज एन कॉट थीटा, दिस कॉट ऑफ एन थीटा, तो कॉट में ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एन। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, अब देखिए ना यहाँ पर, यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेस की जगह कॉट बीटा लिख दिया और परपेंडिकुलर की जगह एन लिख दिया, साइन थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, निकाल लीजिए यहाँ से। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका ये वैल्यू आ जाएगी निकल के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये तीसरी वाली एक्सप्रेशन निकाल लेंगे आप। अब परपेंडिकुलर कितना है, कैपिटल एन है, हाइपोटेन्यूज कितना है दिस, तो ये साइन ऑफ एन बीटा भी आ गया, साइन स्क्वायर एन बीटा निकालेंगे, साइन स्क्वायर बीटा निकालेंगे, इसको दोनों को डिवाइड करवा देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये सॉल्व करने के बाद। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। वो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा वन, मैक्सिमा यहाँ पर आ गई वन वन, और इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ये मैंने अभी निकाली है, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू आई, क्योंकि पता क्या, वन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा आई थी एन स्क्वायर,
और इंटेंस जो प्रिंसिपल मैक्सिमम आई है ये पूरी की पूरी, और एन स्केयर से ऊपर वाला एन स्केयर हो जाएगा कैंसिल जब आप इनकी वैल्यूज एन स्केयर से एन स्केयर कैंसिल होने के बाद ये निकल के आएगी आपके पास रेशियो। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब पोजिशन निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो वही वाला एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो रखेंगे इन द फॉर्म, इसको उल्टा करवा दीजिए टेंजेंट की फॉर्म में, ये इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि आपने पिछले वाले आर्टिकल की तरह इसमें एसिम्प्टोटिक कर्व्स ड्रॉ कर देनी है, जैसे पिछले वाले आर्टिकल्स में करी थी इन्फाइनाइट कर्व्स ड्रॉ कर देंगे वो। अब इसमें सिंक पिछले वाले में एक इक्वेशन आ रही थी, इसमें दो दो इक्वेशन आएंगे, एक ये ले लेंगे एक सेकेंड वाली टर्म ये ले लेंगे, इन दो के कारण आपके पास क्या आएगा पोजिशन आ जाएंगी। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे ग्राफ को क्योंकि ये आर्टिकल पिछले वाले आर्टिकल के साथ अभी तक कंटिन्यूशन में चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब बस आपका रिजल्ट इन इंटेंसिटी निकाल देंगे। इसमें रिजल्ट इन इंटेंसिटी के लिए दोबारा से वही वाला एक्सप्रेशन जो इंटेंसिटी वाला आया था वो लिखा जाएगा। दो फैक्टर्स के कारण आया था, ड्यू टू डायफ्रेक्शन उसको आई डैश ले लिया, ड्यू टू इंटरफेरेंस उसको आई डबल डैश ले लिया। आई डैश की वैल्यू ये आ रही थी, आई डबल डैश की वैल्यू ये आ रही थी। अब साइंस के अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर तो डायफ्रेक्शन के कारण आया था, सेंटर में ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा बनेगा, और ये इंटरफेरेंस में मुझे पता है जहाँ पर विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर तो ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा बनना ही बनना है। बाद में इक्वल इंटेंसिटी के बनेंगे बैंड्स, अगेन विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमा, अगेन यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है। इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इन दोनों को उठा के प्लस कर देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हो गया, इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो ये आर्टिकल आपके पास, इसमें आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा ये वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, दिस वाज ये पेज नंबर 14, और ये आपके पास है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हो गया। अब मुझे पता है आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये वैल्यू हमने निकाल चुके हुए हैं। ठीक है, और पूरी वैल्यू इंटेंसिटी के एन स्क्वायर के इक्वल आ रही थी, तो ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं अगर वो कह रहे हैं ए प्लस बी को अगर मैं थ्राइस ऑफ ए लूँगी, यहाँ पर पाई बाय लैम्डा थ्राइस ऑफ ए साइन थीटा, तो ये थ्री अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, थ्री अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा बाय थ्री। ठीक है, यहाँ से पाई बाय थ्री के इक्वल आ जाएगा। आई वन की वैल्यू आप सिंपली निकाल कर दिखाएंगे इसको, 0.68 आई नॉट आई वन की आ रही है, आई टू की वैल्यू 0.17 आई नॉट आ रही है, मतलब वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट यहाँ पर जाकर आपका आर्टिकल जो है ड्यू टू एन स्लिट्स डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए आपका यहाँ पर कम्प्लीश होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज वीडियो लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।